जहाँ पर कल एक विवाद हुआ था दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें तीन व्यक्तियों को गोली लगी है जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे ज़िले में कुछ समय के लिए, और लगातार हमारा हर जगह पे फ्लैग मार्च भी रहेगा। जी धन्यवाद। घटना का कारण क्या है सर? घटना का मुख्य कारण क्या है? जो कल घटना हुई थी ये राजनीतिक विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में, संभवतः उसी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। जी एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसपे FIR दर्ज किया गया था, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से दिया गया था, ये यादव जाति के हैं। अब तो सुबह हमारे लड़का कह रहा था कि जा रहे हैं पढ़ने, हाँ पढ़ने जा रहा है, अब वहाँ से घर से निकला है पढ़ने के लिए, अब क्या हुआ, हम सबको फोन है भिखारी चौक से कि आपके लड़का के गोली लग गया, हम वहाँ से दौड़ कर गया है, तब तक यहाँ लड़का हमारे हॉस्पिटल में था। क्या गोली लगा, कैसे लगा? अब ये हम नहीं पता, हम हैया नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, हम तो घर पे हैं। हाँ ये पढ़ने जा रहा है? हाँ पढ़ने, इसको पढ़ने, हम तो कहा रोज डेली पढ़ने जा रहा है, तो हमसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, काम है घर पर, तो कह रहे जा रहे हैं पढ़ने पापा, तब तक भिखारी चौक से पता चला कि गोली लग गया है चंदन को, तब हमने दौड़ करके आया तो यहाँ, तो वहाँ भिखारी जो देखे थे वहाँ नहीं है तो यहाँ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आए तो देखा है यहाँ हमारा लड़का गुजर गया है। उस बूथ पे हमेशा मनमानी करता है सर? बूथ का मामला नहीं है, बूथ का मामला नहीं है, ये तो मान कल कल इलेक्शन था, आज आज कांड हुआ है, आज ये तो पढ़ने जा रहा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नागेंद्र राय। बच्चा का क्या नाम है? चंदन यादव। चंदन यादव